हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BK24 स्टडी जोन। इस वीडियो में बात करेंगे 27 जुलाई 2019 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप इस करंट अफेयर्स वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको यहां पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ये स्टेप फॉलो करके सिंपली डिस्क्रिप्शन से आज की PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर का। आज के करंट अफेयर में हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे जुलाई 2019 में लोकलेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वाला, यानी कि अधीर रंजन चौधरी को अभी रिसेंटली लोकलेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी। तो इस हिसाब आपको पता होना चाहिए कि लोकलेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो विपक्ष के ही नेता होते हैं हमेशा, अक्सर जो है ये जो परंपरा चलती आई है ये, ठीक है। लोकलेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं और 22 सदस्यों में से 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि लोकलेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो लोकलेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। लोकसभा के अध्यक्ष वर्तमान में ओम प्रकाश बिरला हैं, तो यह भी हमें यहां से पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मैंने एक और पॉइंट यहां पर लिखा है कि इनका जो कार्यकाल है वो अधिकतम 1 साल का होता है, जो लोकलेखा समिति के सदस्य होते हैं, ठीक है, उनका कार्यकाल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि 26 जुलाई को। हर साल 26 जुलाई को हम लोग कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। इस साल 20वां जो है विजय दिवस मनाया था, 20वीं वर्षगांठ थी कारगिल विजय दिवस की। 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, हम सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। इसके ऊपर पिक्चर भी बनी थी, तो हम में से ज़्यादातर लोगों ने देखी होगी। तो याद रखिएगा कि इस बार 20वीं वर्षगांठ मनाई गई थी कारगिल विजय दिवस की। और यहाँ पर से हमें एक और पॉइंट पता होना चाहिए कि भारतीय सेना प्रमुख कौन है, तो बिपिन रावत हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा कि जुलाई 2019 में बेजी कायद एसेप्सी का निधन हो गया, वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि ट्यूनीशिया के पूर्व राष्ट्रपति थे बेजी कायद एसेप्सी और अभी रिसेंटली इनका निधन हो गया है। ध्यान रखिएगा कि ये ट्यूनीशिया के पहले लोकतांत्रिक रूप से चुने गए राष्ट्रपति थे और ये विश्व के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति थे, ठीक है। अभी जब इनका निधन हुआ है तो 92 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। 2011 में अरब स्प्रिंग नाम से चले आंदोलन के 3 साल बाद ये सत्ता में आए थे, ठीक है। तो ये चीज़ हमको यहाँ से पता होना चाहिए कि ये सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति थे। अगर राष्ट्र प्रमुख के तौर पे देखा जाए तो ब्रिटेन की जो महारानी है उनके बाद जो है ये दूसरे सबसे उम्रदराज राष्ट्र प्रमुख थे, ठीक है। और राष्ट्रपति के तौर पे अगर हम देखें तो राष्ट्रपति के तौर पे ये दुनिया के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति थे, ठीक है। क्योंकि ब्रिटेन में तो महारानी होती है ना, वहाँ राष्ट्रपति तो होते नहीं है, इसलिए तो राष्ट्र प्रमुख के तौर पे दूसरे सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे ये और राष्ट्रपति के रूप में दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति, ठीक है। अगर हम बात करें ट्यूनीशिया की, तो ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस है और यहाँ की जो मुद्रा है वो है दिनार। तो इसे हमको पता होना चाहिए। अगर हम मैप में देखेंगे तो यहाँ पर हमको जो पिन किया हुआ दिख रहा है ये ट्यूनीशिया है। इसके अलावा अगर इसको थोड़ा सा जूम करेंगे तो ये हमें ट्यूनीशिया यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ की कि पाकिस्तान किस वर्ष तक अपने पहले अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजेगा। तो अभी रिसेंटली पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ी घोषणा की है। पाकिस्तान का कहना है कि वो 2022 तक अंतरिक्ष में अपना पहला अंतरिक्ष यात्री भेजेगा। तो भारत की देखा देखी एक तरीके से यहाँ पर हो रही है, क्योंकि अभी रिसेंटली जैसा कि हम सबने सभी लोग जानते हैं कि अगर हम चंद्रयान द्वितीय की बात करें, पहले से भी जो है हमारा इसरो की तरफ से बहुत से ऐसे मिशन चलाए गए हैं जो कि दुनिया में अपने कीर्तिमान स्थापित करते आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पाकिस्तान ने भी कहा है कि अब वो भी 2022 तक अंतरिक्ष में अपना जो है यात्री भेजेगा कोई, ठीक है। तो इनका कहना है कि बेसिकली जो ये पूरा का पूरा जो ये कार्यक्रम होगा ये चीन के सहयोग से किया जाएगा, क्योंकि इनके पास प्रक्षेपण करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो चीन का जो प्रक्षेपण यान है जिससे उपग्रहों का प्रक्षेपित किया जाता है उसकी मदद जो है इसमें ली जाएगी। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का की जो सेना है उसका काफ़ी दखल रहता है वहाँ की राजनीतिक मुद्दों पर। तो यहाँ पर भी यही चीज़ देखने को मिली है। तो यहाँ की जो सरकार है उसका ये कहना है कि पाकिस्तानी वायुसेना इस मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और सबसे पहले यहाँ पर 50 लोगों का चयन किया जाएगा, यानी कि 50 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा जिन्हें अंतरिक्ष में भेजना है। उसके बाद उन 50 में से 25 को, फिर 25 में से 10 को और फिर 10 में से 1 को, यानी कि जाएगा एक ही। तो 50 में से 1 को जो है सिलेक्ट किया जाएगा जो अच्छे से ट्रेनिंग कर लेगा। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया, प्रधानमंत्री हैं इमरान खान और राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारा कि जुलाई 2019 में किस देश ने उपग्रहों को ले जाने में सक्षम अपने निजी रॉकेट को लॉन्च किया है।
तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वाला, चीन होगा यहाँ पर। अभी रिसेंटली चीन की तरफ से उपग्रहों को ले जाने में सक्षम पहले निजी रॉकेट को लॉन्च किया गया है। चीन की एक स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है इंटरस्टेलर ग्लोरी स्पेस टेक्नोलॉजी, तो इसकी तरफ से इसको लॉन्च किया गया है। इसको सिंपल भाषा में, शॉर्ट में, आई स्पेस के नाम से जाना जाता है इस स्टार्टअप कंपनी को, ठीक है। और ये जो रॉकेट है जो इसने लॉन्च किया है उसको नाम दिया गया है हाइपरबोला 1, ठीक है, या फिर अगर ऑप्शन में SQW-1Y1 दिया हो तो आप इसको सही कर सकते हैं, ठीक है, बीच में या होगा, तो याद रखिएगा। और अगर हम बात करें चीन की, तो चीन की राजधानी बीजिंग है और मुद्रा यहाँ की रॉनमेन भी है। तो यहाँ पर से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारी, वो तो कंपनी का नाम हो गया, चाहे आप ये पूरा याद रख लें, इसके अलावा आई स्पेस भी याद रखिएगा, ठीक है, शॉर्ट में इसको आई स्पेस के नाम से जाना जाता है इस कंपनी को। इसके अलावा रॉकेट का नाम क्या है ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि जुलाई 2019 में हरियाणा लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ई वाला, यानी कि रंजीत कुमार पचनंदा को अभी रिसेंटली हरियाणा लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, खास करके वो लोग जिन लोगों ने अभी हरियाणा के जो फॉर्म आए थे वो भरे थे, उन्हें पता होना चाहिए। इसके अलावा ये जो स्थान लेंगे उनका नाम है मनबीर सिंह भड़ाना। तो मनबीर सिंह भड़ाना वर्तमान में हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, उनका स्थान रंजीत कुमार पचनंदा लेंगे। रंजीत कुमार पचनंदा पश्चिम बंगाल 1983 बैच के IPS अधिकारी हैं, तो ये भी हमें यहाँ से पता होना चाहिए, ठीक है, खास करके यहाँ पर नाम जरूर याद रखिएगा इनका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि जुलाई 2019 में निम्नलिखित में से किसे टीम इंडिया के प्रायोजक यानी कि स्पॉन्सर के रूप में चुने जाने की संभावना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि बायजू। बायजू के बारे में आपने सुना होगा, ये ऑनलाइन कोचिंग वगैरह देने के लिए एक प्लेटफॉर्म है जो बच्चों को क्लास 7th, 8th, 9th, 10th ऑनलाइन कोचिंग चलती है इनकी, ठीक है, ऐप वगैरह भी हैं इसके। तो आपने देखा होगा कि शाहरुख खान ने इसका जो है ऐड किया था इस ऐप का भी। तो अभी जो है ऐसी सूचना मिली है कि बायजू जो है वो टीम इंडिया को स्पॉन्सर कर सकता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्तमान में ओप्पो जो है वो टीम इंडिया को स्पॉन्सर करता है। तो भारतीय टीम के जो जर्सी होती है, जो वो यूनिफॉर्म पहनते हैं, उसमें देखते हैं हम लोग ओप्पो लिखा होता है। तो हो सकता है कि ओप्पो को हट के यहाँ पर बायजू लिखा हो, ऐसा इसलिए क्योंकि ओप्पो का ये कहना है कि वो टीम इंडिया का जो खर्चा है वो नहीं उठा पा रही, वो काफ़ी ज़्यादा है और उसकी कंपनी अभी फ़िलहाल में इस कंडीशन में इतनी मजबूत नहीं है। तो इसलिए उसने ये फैसला किया है कि वो अपने जो शेयर हैं या फिर जो उसने उसको हक मिला था 2022 तक टीम इंडिया को स्पॉन्सर करने का, उसको जो है वो बेच देगा किसी को। तो यहाँ पर बायजू ने जो है ये हामी भरी है कि वो टीम इंडिया का मतलब स्पॉन्सर, टीम इंडिया को स्पॉन्सर करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, बाकी इसके बारे में जो भी डिटेल जानकारी होगी मैं आपको यहाँ पर से बता दूंगा। 5 सितंबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक बायजू जो है वो टीम इंडिया का प्रायोजक होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमको यहाँ से पता होना चाहिए। बायजू की बात करें तो इसके संस्थापक और CEO रविंद्रन बायजू हैं, ठीक है। तो रविंद्रन बायजू वो बायजू के संस्थापक और CEO हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा केयर फॉर यू ऐप विकसित किया गया है। तो उसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि IIT खड़गपुर के दो छात्रों ने मिलकर अभी रिसेंटली केयर फॉर यू ऐप विकसित किया है। ये जो ऐप है ये जो वृद्ध व्यक्ति हैं, जो ओल्ड एज लोग हैं जिनको देखभाल की ज़रूरत है, वो मतलब इस ऐप की मदद से जो देखभाल करने वाला है उसको ढूंढ सकते हैं, ठीक है। यानी कि जिस तरीके से हम लोग सर्वेंट ढूंढते हैं या फिर OLX में मान लीजिए, OLX तो सभी यूज़ करते हैं, तो हमें कोई चीज़ ख़रीदनी होती है पुरानी चीज़ तो हम उसमें सर्च कर लेते हैं, इवन जॉब वगैरह भी हम उसमें सर्च कर सकते हैं OLX में, ठीक है, कई कंपनियां डालती हैं। तो इस तरीके के मतलब ये चीज़ होगी। तो इसमें जो देखभाल करने वाले जो लोग हैं, जो मतलब पैसे के बदले में देखभाल करते हैं किसी की, उन लोगों से जो है वृद्ध व्यक्ति का संपर्क बनाए रखेंगे। और इसके अलावा इस ऐप में ये सभी चीज़ें डिटेल में होंगी कि जो वृद्ध व्यक्ति है उसको किस चीज़ से एलर्जी है, उसकी जो स्थिति है वो कैसी है, स्थिति मतलब स्वास्थ्य की जो स्थिति है वो कैसी है, तो ये सब कुछ जो है उसमें लिखा रहेगा, उसके हेल्थ से लेकर हर एक चीज़, ठीक है। तो ये केयर फॉर यू जो ऐप है ये IIT खड़गपुर के छात्रों ने विकसित किया है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में लॉन्च पुस्तक न्यू एज टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 के लेखक कौन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वाला, यानी कि नरेंद्र जाधव। अभी रिसेंटली नरेंद्र जाधव की तरफ से एक बुक जो है लिखी गई है, नरेंद्र जाधव राज्यसभा के सदस्य हैं और इस बुक का नाम है न्यू एज टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0। अभी जो औद्योगिक क्रांति अभी चल रही है जिस वक्त, जिसको हम बोलते हैं,
तो ये जो दौर है इसमें इसके बारे में जो है उन्होंने लिखा है कि किस तरीके की क्या खामियां हैं, या फिर कैसे ये जो दौर है हमारे देश में जो औद्योगिक क्रांति का हम लोग कहते हैं वो किस तरीके से काम कर रहा है, उसमें क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में इस बुक में इन्होंने लिखा है, ठीक है। या फिर जो आने वाली जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में ये जो पुस्तक है, इसका विमोचन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा 25 जुलाई को किया गया था। तो ध्यान रखिएगा इस बुक के राइटर कौन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ से हमारे लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां है कि जुलाई 2019 में किसके द्वारा 200 मीटर बटरफ्लाई स्ट्रोक में माइकल फिलिप्स का रिकॉर्ड तोड़ा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वाला, यानी कि क्रिस्टॉफ मिलक के द्वारा अभी रिसेंटली माइकल फिलिप्स का रिकॉर्ड तोड़ा गया है। रिकॉर्ड किस में तोड़ा गया है, रिकॉर्ड तोड़ा गया है बटरफ्लाई स्ट्रोक में, ठीक है। 200 मीटर की बटरफ्लाई स्ट्रोक में एक तकनीकी होती है ये तैरने की, जो आप यहाँ पर से देख पा रहे होंगे इस तरीके से तैरा जाता है, तो इसको बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रोक। तो यहाँ पर माइकल फिलिप्स का रिकॉर्ड तोड़ा है क्रिस्टॉफ मिलक ने। क्रिस्टॉफ मिलक हंगरी के नागरिक हैं, हंगरी के तैराक हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि अभी रिसेंटली ये जो रिकॉर्ड है इन्होंने साउथ कोरिया के ग्वांजू में चल रहे वर्ल्ड एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में तोड़ा है, तो ये चीज़ हमको यहाँ से ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो रिकॉर्ड इससे पहले था माइकल फिलिप्स का, तो वो लगभग 1 मिनट 52 सेकंड का रिकॉर्ड था, ठीक है। और इस बार जो क्रिस्टॉफ मिलक ने बनाया है वो 1 मिनट 50 सेकंड का है, ठीक है। तो काफ़ी कह सकते हैं नज़दीकी मामला था, लेकिन ये जो रिकॉर्ड है ये क्रिस्टॉफ मिलक ने तोड़ा है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि हाल ही में किसकी अध्यक्षता में कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न को रोकने के तरीकों की जांच करने हेतु 4 सदस्यीय कैबिनेट मंत्रियों की एक पैनल का गठन किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वाला, यानी कि अमित शाह। अभी रिसेंटली गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय कैबिनेट मंत्री स्तरीय एक पैनल का गठन किया गया है। ये पैनल ये जानने की कोशिश करेगा कि जो अभी वर्तमान में जो नियम है कार्यस्थलों पर जो यौन शोषण होता है, यौन उत्पीड़न होता है, उसको रोकने के जो नियम बनाए गए हैं क्या वो सही हैं आज के टाइम के हिसाब से। अगर सही नहीं है तो ये लोग जो है जो 4 सदस्य हैं इसमें, एक तो अमित शाह हो गए अध्यक्ष, दूसरे निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं हमारी, मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल भी इस कमेटी में शामिल हैं, इस पैनल में शामिल हैं, और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी इसमें शामिल हैं। तो ये 4 के 4 मिलके इनकी समीक्षा करेंगे जो नियम बनाए गए हैं, और अगर कोई नियम बदलना होगा तो उसके बारे में जो है विचार रखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12वां है कि जुलाई 2019 में किस कंपनी को RBI से एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी का लाइसेंस मिला है, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का लाइसेंस किसे दिया गया है RBI की तरफ से अभी रिसेंटली। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि Cards24 को अभी रिसेंटली RBI की तरफ से नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का लाइसेंस दिया गया है। और इसका मतलब ये होता है कि जो Cards24 है वो अब जो लोन वगैरह है, जैसे कि आप सभी को पता है कि ये कार्स वगैरह में डील करते हैं, कार बेचते हैं अपने प्लेटफॉर्म की मदद से, तो ये क्या करेंगे आसानी से अब जो है लोन वगैरह भी दे सकते हैं खरीदार को, ठीक है। अभी ये थर्ड पार्टी से लोन वगैरह उपलब्ध करवाते थे, लेकिन अब ये खुद से जो है अपना लोन करवा सकते हैं, तो आपको ये चीज़ भी ध्यान होनी चाहिए। अब बात करते हैं कल के कुछ प्रश्नों की, इन प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट करके बताने थे। आपके लिए पहला प्रश्न था कि हाल ही में WHO ने किस देश में फैले इबोला वायरस के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वाला, यानी कि कांगो में फैले इबोला वायरस को अभी रिसेंटली WHO की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2nd में आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान परिवारों को 2000 रुपये की पहली और दूसरी किस्त प्रदान करने के मामले में शीर्ष पर है। सही आंसर ऑप्शन ए वाला था, यानी कि उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है किसानों को पहली और दूसरी किस्त देने के मामले में, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो योजना थी उसके अंतर्गत। अब बात करेंगे आपके लिए आज के प्रश्नों की, और इन प्रश्नों के उत्तर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आपके लिए पहला प्रश्न है कि जुलाई 2019 में भारत के टेबल टेनिस कोच के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है। जुलाई 2019 में भारत के टेबल टेनिस कोच किसे चुना गया है ये आपको बताना है। देन क्वेश्चन नंबर 2nd आपके लिए है कि निम्नलिखित में से कौन प्रेसिडेंट्स कप मुक्केबाजी टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बॉक्सर बन गए। सो इसका आंसर भी आपको कमेंट करके बताना है, और साथ में मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएँ, और साथ में इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। थैंक यू सो मच।